कबड्डी, चार कबड्डी, तीन कबड्डी, दो कबड्डी, एक कबड्डी। ये जख्मी शेर हुंकार हो और ये जो जनता का शोर आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि प्रदीप नरवाल रेड करने आते हैं 118 रेड पॉइंट्स इस सीजन में। क्या शुरुआत में ही टच पॉइंट लेंगे, अवश्य लेंगे सुनील जी। वन पॉइंट पटना पायरेट्स। लेकिन इस खिलाड़ी के चांस बड़े अच्छे हैं, श्रीकांत जाधव। पिछले चार मैचों में इनकी 8 की एवरेज है और ये लीजिए 2 शिकार पहली ही रेड में। श्रीकांत जाधव पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है यूपी योद्धा की। और डुओ डाई रेड में प्रदीप फिर आउट, आउट नहीं, वन पॉइंट यूपी योद्धा। ये यूपी की डिफेंस ने प्रदीप को पैरंग लिफाफे की तरह वापस भेजा है। नितेश कुमार के हाथ से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। ऑल आउट हुई पटना पायरेट्स, हालांकि बोनस लिया लेकिन ऑल आउट हो चुका है पहला 2 अतिरिक्त पॉइंट यूपी योद्धा को। नितेश सुमित चेन लेकर आए, प्रदीप की डुबकी कमाल है, जबरदस्त डुबकी जैसा कि रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल को हमने देखा है। ये 2 शिकार कम से कम, आदि उष्ट्रो खतरनाक है लेकिन सुरेंदर गिल सपोर्ट आया, एक और सुपर टैकल 19वां पटना के नाम। ये सुपर टैकल्स हैं जो पटना पायरेट्स का कॉन्फिडेंस बरकरार रखे हुए हैं। नितेश कुमार आउट होंगे, इस बार थोड़ी सी चूक यूपी योद्धा के डिफेंस से और एक नहीं सुनील जी 2 पॉइंट्स, 2 लोगों को बाहर किया। प्रदीप नरवाल लगातार तीसरी बार डुओ डाई रेड में आए हैं, दोनों बार आउट हुए थे, इस बार प्रदीप नरवाल कामयाब 2 पॉइंट। मैं अपनी सीट से ऊपर उठ चुका हूं क्योंकि जब भी प्रदीप नरवाल की डुबकी होती है पूरे देश में एक्साइटमेंट होती है, पूरा स्टेडियम तालियों से गड़गड़ाने लगता है क्योंकि प्रदीप नरवाल रिकॉर्ड ब्रेकर ही नहीं गेम चेंजर भी है। सुमित सीजन के तीसरे सबसे कामयाब डिफेंडर, 2 बार प्रदीप से आउट हुए और इस बार सबसे सॉफ्टली आउट हुए। पटना लीड में, यूपी ऑल आउट। 1+3 पॉइंट। राइवलरी वीक का मजा हो तो ऐसा हो। नितेश का एंकल होल्ड, सुपर टैकल, प्रदीप आउट। एक बार फिर से असफल प्रदीप नरवाल डू और डाई रेड में और नितेश कुमार, वाह, हाथों में चुंबक लगा है ऐसा लगता है, एंकल पकड़ते हैं तो छोड़ते ही नहीं, हाई फाइव भी अपना कंप्लीट किया, 5 टैकल पॉइंट आज रात। इस बार ऑल आउट का चांस है, 2+4 पॉइंट, ऑल आउट यूपी योद्धा। सुरेंदर गिल ने सुपड़ा साफ कर दिया है 3 बार के चैंपियंस का, पटना दूसरी मर्तबा ऑल आउट। प्रदीप नरवाल आखिरी 10 मिनट में जो स्ट्राइक रेट है वो 61% का है और ये 51वां सुपर 10 प्रदीप नरवाल के वीवो प्रो कबड्डी इतिहास का है। पटना पायरेट्स 7वां सुपर 10 7वें सीजन में और 51वें सुपर 10 का शगुन इनकी झोली में आ गिरा है। बिल्कुल, और एक बार में अब जो अगर रिवाइवल होता भी है तो भी प्रदीप नहीं आएंगे, प्रदीप सेकंड रिवाइवल पाएंगे लेकिन वो यहां पर होगा ही नहीं क्योंकि ये संकट कैसे टलेगा पटना पायरेट्स पे से, ये है सबसे बड़ा सवाल। तीसरी मर्तबा 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स ऑल आउट हुए हैं, आखिरी रेड है, दोनों टीम्स ने अपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को उतार रखा है। यूपी पिछले मुकाबले में 41-20 हारे थे पटना से और आज 41-29 से पटना को हराया है। यूपी ने पिछले 5 मुकाबलों में 4 जीते हैं, पिछली हार का सूद समेत बदला लिया है। श्रीकांत जाधव जीत के नायक हैं।